दोस्तों देखिए, ये आ चुकी है पटना से चलकर कोटा को जाने वाली पटना कोटा एक्सप्रेस। ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रेन नज़र आ रही है आपको ये, क्योंकि इसके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट हो रखा है विद्यापीठ, क्योंकि कोटा में बहुत सारी कोचिंग वगैरह हैं, इसीलिए इसके ऊपर ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी देखने के लिए मिलते हैं कोचिंग सेंटर वाले। पटना बिहार से चलकर और कानपुर आगरा होते हुए मथुरा आ चुकी है अभी ये ट्रेन। ये मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जा रही है, सामने मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, वहाँ इसका इंजन चेंज होगा। अभी इंजन आगे लगा हुआ है, फिर इंजन वहाँ से कट कर और इंजन पीछे साइड लग जाएगा, इधर इधर पीछे साइड लग जाएगा। और जो वो दो लाइन उस तरफ दिख रही हैं, ये देखिए आपको WCR वाली ये दो लाइन दिख रही हैं, फिर उन वाली लाइन पर होके वो आगे भरतपुर, गंगापुर और सवाई माधोपुर कोटा की तरफ चली जाएगी। दोस्तों देखिए, ये है मथुरा जंक्शन MTJ, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से एक लाइन जा रही है ये कोटा के लिए, जो कि कोटा राजस्थान में पड़ती है सिटी, और ये लाइन जा रही है आगरा के लिए। तो ये कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन इस लाइन पर आ रही है, दोनों डबल लाइन है। ये मथुरा स्टेशन है पूरा का पूरा, तो ये डबल लाइन है। ये वाली पटना कोटा एक्सप्रेस इस वाली लाइन पर होके आ रही है, पटना कोटा एक्सप्रेस यहाँ आके खड़ी हो जाएगी। सपोज दैट यहाँ आके खड़ी हो गई, ये इंजन है, ये पीछे ट्रेन मैनेजर का डिब्बा है। अब क्या होगा दोस्तों, इंजन यहाँ से कटेगा, आगे वाली लाइन पर जाएगा और यहाँ से वो मुड़ के पीछे इधर आ जाएगा। यहाँ से इंजन इस वाली लाइन पर इधर लग जाएगा ट्रेन मैनेजर के डिब्बे की तरफ। हर सवारी गाड़ी में ट्रेन मैनेजर के दो डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा ये है और एक इंजन के पीछे लगा हुआ है। अब ये डिब्बा बिल्कुल फ्री हो गया है, यहाँ से इंजन हट गया है और इंजन इस तरफ आके लग गया है। अब ये दोस्तों इधर चली जाएगी कोटा के लिए। तो ये पटना कोटा एक्सप्रेस हो गई, यहाँ मथुरा में इसका पावर चेंज होता है। ट्रेन मैनेजर अब यहाँ पर बैठ जाएंगे, यहाँ से अपना सामान ले जाएंगे, लाइन बॉक्स वगैरह पीछे यहाँ वर्किंग करने लग जाएंगे। इंजन इस तरफ हो गया और ट्रेन मैनेजर का डिब्बा इधर हो गया, तो ये ट्रेन ऐसे करके कोटा के लिए चली जाएगी।